देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम अफसरों के साथ हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की। शाम 6:30 बजे से शुरू हुई यह मीटिंग करीब 1 घंटे चली। बैठक में हेल्थ मिनिस्ट्री समेत कई विभागों के अफसर शामिल हुए। मीटिंग में ओमिक्रॉन के बढ़ते केस को रोकने के लिए प्रधानमंत्री का मेन फोकस 3 बातों पर रहा। पीएम ने बैठक में अब तक के हालात की जानकारी ली, साथ ही सरकार की तैयारियों को भी समझा। इसके बाद अफसरों को दवाई और ऑक्सीजन के स्टॉक बढ़ाने के निर्देश दिए, साथ ही टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाने के साथ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर दिया। राज्यों को हर संभव मदद के दिए निर्देश। पीएम ने देश भर में वैक्सीनेशन को बढ़ाने की ओर भी तेजी से काम करने को कहा। मोदी ने अफसरों को उन जिलों की पहचान करने के निर्देश दिए जहां वैक्सीनेशन की स्थिति अभी ठीक नहीं है। उन्होंने अफसरों से कहा कि वे राज्य से वैक्सीनेशन में आने वाली परेशानियों को लेकर बातचीत करें और उसे जल्द से जल्द ठीक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने पर फोकस करें। पीएम ने अफसरों को सतर्क और सावधान रहने के साथ ही राज्यों को हर संभव मदद पहुंचाने का भी निर्देश दिया। देश में ओमिक्रॉन के कुल केस बढ़कर 355 हुए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में एक बार फिर बढ़ोतरी हो रही है। नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने चिंता को और बढ़ा दिया है। गुरुवार को 4 राज्यों में ओमिक्रॉन के 64 नए केस सामने आए। इसमें से तमिलनाडु में 33, तेलंगाना में 14, कर्नाटक में 12 और केरल में 5 मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश भर में नए वेरिएंट से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 355 हो गई है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 65 मामले महाराष्ट्र में सामने आ चुके हैं। 64 मामलों के साथ दिल्ली दूसरे और 38 केस के साथ तेलंगाना तीसरे नंबर पर है। दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने बुधवार को क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है। बार और सिनेमाघर भी 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे। इसके अलावा भीड़ के होने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आदेशों का सख्ती से पालन कराया जाए। 100 से ज्यादा देशों में फैला ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की वजह से कई देशों में प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। यह वेरिएंट 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के चीफ टेड्रोस का कहना है कि दुनिया भर की सरकारों को महामारी को खत्म करने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2022 ऐसा साल होना चाहिए जिसमें हम महामारी को खत्म करें। हर देश की 70% आबादी को अगले साल जुलाई तक वैक्सीन लगा दी जाए तो महामारी को खत्म किया जा सकता है।